सदनों में गत आयोजना समिति की बैठक में अनुमोदन के लिए रखे गए प्रस्ताव पारित नहीं हो सके थे। कारण था कि जिला परिषद सदस्यों ने भौतिक सत्यापन की मांग उठाई थी। इसके बाद इसी बैठक में अलग अलग सदस्यों को भौतिक सत्यापन के लिए अधिकृत किया गया था। इसी के तहत वन विभाग के कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाने के लिए जिला परिषद सदस्य दिनेश सुंडा को अधिकृत किया गया था। इसी क्रम में मंगलवार को सुंडा ने DFO RK हुड्डा के साथ बीड़ क्षेत्र का दौरा किया। DFO हुड्डा ने अब तक बीड़ में लगाए गए 90,000 पौधे का भौतिक सत्यापन करवाने के अलावा बीड़ को विकसित और व्यवस्थित करने के लिए खर्च की गई राशि का भौतिक सत्यापन करवाया। मंगलवार को ही खेतड़ी में भी वन विभाग के कार्यों का सत्यापन करवाना था, जिसके लिए जिला परिषद सदस्य सेहीराम गुर्जर को भी झुंझुनू बुलाया गया, लेकिन भीड़ के दौरे में ही समय ज़्यादा लग जाने के कारण खेतड़ी का दौरा अगले किसी दिन किया जाएगा। सुंडा ने बताया कि वन विभाग में भीड़ को विकसित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, साथ ही DFO ने जो प्लान बताया है उस मुताबिक आने वाले दिनों में भीड़ झुंझुनू एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। उन्होंने DFO को विश्वास दिलाया है कि उनके द्वारा तैयार करवाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत करवाने के लिए वे भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर CM से मिलेंगे और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य सुरेश बड़सरा, सुरेंद्र लोयल सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। DFO राजेंद्र जी हुड्डा के साथ हमने जो पिछले दिनों जिला आयोजना समिति की बैठक हुई थी और जिनमें जो जिले में कार्य किए गए थे उनका भौतिक सत्यापन की सभी सदस्यों के द्वारा जो मांग उठी थी, और उस मीटिंग के दरमियान मुझे फॉरेस्ट विभाग की जो जो कार्य हुए इस वित्तीय वर्ष में उनके भौतिक सत्यापन के लिए अनुमंदित किया गया था, तो उसके तहत आज मैंने हुड्डा जी के साथ वन क्षेत्र में बीड़ में आसपास के एक दो जगह जो डेवलप कर रखे हैं वहाँ मैं गया और जो वृक्षारोपण किया हुआ था उनका सर्वे किया है, किस तरीके से वृक्षारोपण हो रखे हैं, भविष्य में किस तरीके से किए जाएंगे, और जो हमारा झुंझुनू के पास इतना बढ़िया आलिशान इतना जंगलात एरिया बीड़ का एरिया है इसको किस तरीके से डेवलप किया जाएगा और डेवलप होना चाहिए इसकी सारा हमने सर्वे किया है और इसकी रिपोर्ट बना के जल्दी सदन को भी उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके साथ ही इसकी जो DRP मुझे हुड्डा जी ने जैसे बताया इसको डेवलप करने के लिए CM साहब से भी अनुरोध किया जाएगा ताकि हमारे झुंझुनू ज़िले में भी एक टूरिस्ट पॉइंट बन सके और वन क्षेत्र में इतना शानदार शहर के लगता हुआ क्षेत्र है ये डेवलप हो सके, हरा भरा क्षेत्र बन सके।